बागपत जिले के खट्टा प्रहलादपुर निवासी वीरेंद्र उर्फ काले का दो मंजिला मकान रात्रि 10 बजे अचानक भरभराकर गिर गया, जिससे उनका 18 वर्षीय पुत्र आर्यन और चार पशु दब गए। मकान गिरने की सूचना पर ग्रामीण भागकर मौके पर पहुंचे, जिसके बाद युवक को निकालने का प्रयास किया गया। इसकी सूचना खेकड़ा पुलिस को भी दे दी गई। खेकड़ा सीओ युवराज सिंह व चांदी नगर थाना अध्यक्ष सतेंद्र सिंह सिंधु भी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कराया। युवक को निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जबकि दो पशुओं ने भी मौके पर दम तोड़ दिया। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की मांग उठाई है। क्या नाम है जी आपका? वीरेंद्र जी। कहाँ के निवासी हो? खट्टा के। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना जी कुछ नहीं हुई है, दूध पीते बैठे हुए बच्चा ऊपर गया फोन करने के लिए, वो दो मिनट में नीचे आ गया, जो गाटर मेरी तरफ को आए मैंने भीतर खाचे तो लमड़ा नहीं पहचान पाया। अच्छा, और क्या क्या नुकसान हुआ? चार डांगर मर गए जी। अच्छा, और घर का सामान? घर का सामान तो सारा चूरा हुआ। अच्छा अच्छा, कुछ नहीं बचा जी। अच्छा, हॉस्पिटल ले गए थे बच्चे को? बच्चे डीएम ले गया जी था। अच्छा अच्छा, हमें नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। क्या नाम है जी आपका? सतबीर जी। अच्छा, कहाँ के निवासी हो? खट्टा प्रहलाद। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके गांव में? ये मकान जी एकदम भरभरा के एकदम गिर पड़ा जी, ऊपर एक लड़का लौट रहा था जी छत पे, वो एकदम तो अचानक नीचे गिरा और सारा मलबा गिर पड़ा। और दो इसमें जी एक भैंस दबी नीचे है, और जी एक कटड़ा है, एक लवारा है, एक कटिया जी, तो मतलब दो तो ख़त्म हो गए जी, दो पशु और एक लड़का ख़त्म हो गया जी। हॉस्पिटल वगैरह में ले गए थे? हाँ जी। फिर पुलिस प्रशासन? पुलिस प्रशासन जी सा आया जी। क्या नाम है जी आपका? कहाँ के निवासी हो? अच्छा, कैसे क्या मामला हुआ है आपके गांव? मामला दीवार एकदम मकान सारा ढह गया, आधा मिनट भी नहीं लगे सब ढह का। क्या कारण हो सकता है? पता नहीं जी क्या कारण है। अच्छा, कितने लोग दबे इसमें, कैसे कैसे? इसमें तो ये तो बच रहे, ये लड़का दब गया, वो मरी, भैंस मरी, भैंस मरी, एक लवारा था वो मरा, एक कचिया झपटा था वो बच गया। बड़ी मुश्किल काटे हुए जी। हाँ, दो घंटे तो करीब लगे काटने में, पूरी पब्लिक आ रही थी। अच्छा अच्छा, आप कौन हो इनके? मैं तो उसका भाई लगू जी काले का। अच्छा।